रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। चिल्ड्रन, हैव यू सीन एन एलिफेंट? क्या आपने हाथी देखा है? आज मैं आपको हाथी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द एलिफेंट एंड द फोर फ्रेंड्स। बहुत समय पहले जगदीशपुर गांव में चार फ्रेंड्स रहते थे, रवि, किशन, भोला और दीपू। दे वर क्लोज फ्रेंड्स, but unfortunately they all were blind, they could not see, इसलिए वे जहां जाते साथ जाते। They never left any one of them alone. One day they all went to a river to take bath. उस दिन एक महावत भी अपने हाथी को नहलाने उस नदी पर पहुंचा था। When he saw them and got to know that they all were blind, उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वे सभी एलिफेंट के पास ही ना नहाने लगे, जिससे एलिफेंट उन्हें कोई हार्म पहुंचाए। उसने उन्हें रोका और कहा, स्टॉप, प्लीज स्टॉप, वहीं रुक जाइए, आप सभी इस घाट पर मत नहाइए, यहाँ पर तो मेरा हाथी नहा रहा है, प्लीज गो टू सम अदर प्लेस। हाथी का नाम सुनते ही सभी उछल पड़े और एक साथ बोले, वाओ एलिफेंट, रियली हमने तो एलिफेंट का नाम ही सुना है, हम जानना चाहते हैं कि एलिफेंट कैसा होता है। यह जानकर कि उन्हें एलिफेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, महावत बोला, अरे ऐसी बात है, तो जाओ उसे टच करके खुद ही जान लो कि एलिफेंट कैसा होता है। अब सभी पानी में उतर गए और एलिफेंट को टच करने लगे। रवि ने हाथी का फ्लैपिंग ईयर टच किया और बोला, अरे हाथी तो सूप की तरह है। तभी किशन बोला, ओ नो रवि, द एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक। Actually, he had touched the elephant's tail. अब भोला एलिफेंट की ट्रंक पकड़कर कहता है, You both are wrong. The elephant is like a pipe. After all, he had touched the elephant's trunk. अंत में दीपू तीनों की बातें सुनकर कहता है, All of you are wrong, dear. The elephant is like a strong pillar. समझे? महावत इन सभी की बातें सुनकर जोर से हंसा और बोला, Oh no children, the elephant does not look like as you said. तुम सभी ने इसके अलग अलग parts of body को ही टच किया है और अपना अपना ओपिनियन दिया। जैसे रवि ने हाथी का कान पकड़ा तो उसे लगा कि हाथी सूप जैसा है, किशन ने टेल पकड़ी तो उसे लगा कि हाथी सांप जैसा है, भोला टच्ड इट्स ट्रंक एंड थॉट इट वाज अ पाइप, और दीपू ने हाथी का पैर पकड़ा था, सो ही थॉट दैट The elephant is like a strong pillar. Children,
The elephant is a very huge animal. It has four big and strong legs, one small tail, two fan-like ears, one long trunk, and two little eyes. और तो और इसके दो बड़े बड़े टस्क्स होते हैं. टस्क्स यानी दांत. तभी भोला बीच में बोलता है, What does this big animal eat? ये खाता क्या है? महावत बोला, It eats sugar cane and green leaves. Elephants live in groups. इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है. They are very loyal and helpful. समझे? ऐसा होता है हाथी. महावत से हाथी के बारे में जानकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच अंकल, आपने एलिफेंट के बारे में इस तरह से बताया कि इसकी इमेज तो हमारे मन में ही बन गई है. फॉर दिस थैंक यू वेरी मच.